अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मुसलमान पर जुल्म सतम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह से ये बात ज़रूर सुनी जाती है कि एक न एक दिन इमाम मेहंदी ज़रूर आएंगे और इमाम मेहंदी हमारे इस दुनिया में आकर न सिर्फ उन मजलूमों का बदला लेंगे बल्कि उन पर जुल्म व सतम करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। इसके अलावा वक्त वक्त पर आप लोग इमाम मेहंदी का नाम सुनते ही रहते होंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहंदी है कौन और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इमाम मेहंदी का इंतज़ार क्यों है? तो दोस्तों, हज़रत इमाम मेहंदी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इमाम मेहंदी कब, कैसे और क्यों आएंगे। क्या इमाम मेहंदी आ चुके हैं या फिर उनमें आने में कितना वक्त है? आज ये सारी बातें जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक कनेक्ट रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हज़रत इमाम मेहंदी के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया के तीनों सबसे बड़े मज़हब यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। यानी इन तीनों मज़हबों को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है हमारी दुनिया एक दिन ख़त्म होगी और दुनिया ख़त्म होने के बाद जजमेंट डे भी ज़रूर होगा। यानी एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया के रहने वाले तमाम बंदों से इनकी तरफ से किए गए बुरे कामों का हिसाब लेगा। लेकिन दोस्तों, भले ही तीनों मज़हब के लोग क़यामत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन ये क़यामत कब और कैसे आएगी इसके बारे में तीनों ही मज़हब के मानने वाले लोगों का एक अलग ही नज़रिया है। जहाँ एक तरफ यहूदी का ये मानना है क़यामत से पहले उनका एक मसीहा ज़रूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि हैरानी की बात ये है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में दावा करते हैं कि क़यामत से पहले दुनिया में अगर हमारी हुकूमत कायम करेगा, इस मसीहा के बारे में मुसलमानों का भी ये मानना है कि क़यामत से पहले उस दुनिया में ज़रूर आएगा। लेकिन मुसलमान इसको मसीहा के तौर पर नहीं बल्कि दुश्मन के तौर पर देखते हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि यहूदी का ये आने वाला मसीहा कोई मसीहा नहीं बल्कि वही होगा जिसको इस्लाम में दज्जाल का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि क़यामत से पहले हमारी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस ज़रूर आएंगे। हालांकि दोस्तों, मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही नज़रिया रखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है, ईसाइयों का मानना ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि उतारे जाएंगे। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो ज़हरी मौत आई ही नहीं थी बल्कि उनको तो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमारी इस दुनिया में वापस आने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मज़हब यानी इस्लाम के पाकीज़ा किताब यानी कुरान मजीद में क़यामत की निशानियों के तौर पर जिक्र की गई हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि पूरी होते ही क़यामत आएगी। तो क़यामत की इन निशानियों में से एक निशानी ये है कि हज़रत इमाम मेहदी का पैदा होना भी है। यानी मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा और हमारी दुनिया में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, यानी नाइंसाफ़ी, कत्ल, चोरी, डकैती, जना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आम हो चुकी होंगी, तो हज़रत इमाम मेहदी पैदा होकर इस दुनिया में आकर एक बार फिर से उन सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। न सिर्फ पूरी दुनिया से जुल्म, सितम और नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर देंगे बल्कि ये एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत भी कायम करेंगे जिसमें हर मुसलमान के लिए अमन होगी। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी की पैदाइश मदीना शहर में होगी। उनका नाम या तो मोहम्मद या तो अहमद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और माँ का नाम आमना होगा। वहीं अगर बात करें इनकी ख़ानदान की तो हदीसों से ये बात मालूम होती है कि हज़रत इमाम मेहदी की पैदाइश इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से होगा। यानी ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में पैदा होंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी बाद में मदीना से बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की तरफ चले जाएंगे। वहीं अगर बात करें इस्लाम के मज़हब के दूसरे सबसे बड़े ग्रुप यानी शिया लोगों की, तो आपको ये बताते चलें कि शिया लोगों का ये नज़रिया है कि हज़रत इमाम मेहदी तो पहले ही पैदा हो चुके हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के खातिर लोगों से छुपा रखा है। जब अल्लाह ताला चाहेगा यानी जब हज़रत इमाम मेहदी को ये महसूस होगा तब खुद ब खुद दुनिया के सामने आ जाएंगे और नाइंसाफ़ी और जुल्म और सितम को ख़त्म करके नई सल्तनत कायम करेंगे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें जब हज़रत इमाम मेहदी लोगों के सामने अपने आप को ज़ाहिर करेंगे यानी लोगों को ये बताएंगे कि मैं ही वही इमाम मेहदी हूँ जिसका तुम सैकड़ों सालों से इंतज़ार कर रहे हैं,
उस वक्त इमाम मेहदी की उम्र 40 साल होगी और हज़रत इमाम मेहदी अपने इमाम मेहदी का ऐलान कहीं और नहीं बल्कि काबे के पास करेंगे और अपने इमाम मेहदी होने का ऐलान करने वक्त हज़रत इमाम मेहदी को सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे और उसके अलावा उनके पास इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खमीस के साथ साथ उनका झंडा और उनकी एक तलवार भी मौजूद होगी। हज़रत इमाम मेहदी की हुकूमत उस दुनिया में लगभग 7 साल तक कायम रहेगी। दोस्तों, भले ही हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र कुरान मजीद में आया हो लेकिन इस्लाम की दूसरी हदीसों की किताबों में हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र बहुत आया है, इतना ज़्यादा जिसको जिक्र करना इस छोटी सी वीडियो में नामुमकिन है। इसके अलावा हदीस के बहुत सारे किताबों में हज़रत इमाम मेहदी के हमारे दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले कुछ निशानियाँ भी बयान की गई हैं, जिसमें से एक निशानी ये भी है, हज़रत इमाम मेहदी के इस दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले एक चमकदार सितारा नज़र आएगा, ईस्ट यानी मशरक की साइड से निकलेगा। ये सितारा इतना ज़्यादा चमकदार होगा जिसे देखने में चौधरी का चांद नज़र आता है, यानी ये सितारा हद से ज़्यादा रोशनी देगा। इसके अलावा ये सितारा उस वक्त भी आसमान में नज़र आया था कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था। इसके अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तब भी ये सितारा आसमान पर ज़ाहिर हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फ़िरऔन को इसकी फौज के साथ समंदर में डुबाया गया था उस वक्त भी सितारा आसमान में नज़र आया था। इसके अलावा ये सितारा लगभग 80 साल के बाद नज़र आता है। आखिर बार ये सितारा 1986 में आसमान में नज़र आया था। इसके अलावा हज़रत इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि सारे हाजी बिना इमाम के हज करेंगे और ऐसी हालत में उनको लूट लिया जाएगा। मना के मुकाम पर जंग भी होगी जिसकी वजह से लोगों का खून टांगों तक पहुँच जाएगा। और हज़रत इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि एक ही महीने में यानी रमज़ान के महीने में 2 सूर्य ग्रहण लग जाएंगे। दोस्तों, उन तमाम निशानियों के साथ साथ एक निशानी ये भी है, हज़रत इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने से पहले हमारे दुनिया में एक बड़ी जंग का सामना करेगी और आज के दौर में बहुत सारे लोग इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वार के तौर पर देखते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।